मंजू आइए आज हम बनाएंगे चटपटे चने मोठ। चटपटे चने मोठ बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने 3-4 घंटे भिगो कर रखे थे। इसमें मूंग है, मोठ है, चने है। ये हमने 3-4 घंटे पहले भिगो कर रखे थे, फिर हमने उसको उबाल लिए थे। और इसमें डालने के लिए चाहिए हमको, ये हमें 1 चम्मच नमक चाहिए, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर चाहिए, थोड़ा सा हमको धनिया पाउडर चाहिए और ये कुछ अमचूर पाउडर। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर चाहिए, थोड़ा हमको जीरा चाहिए और ये हमने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता रख रखा है और ये थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा है। ऐसे बाद में बनने के बाद ऊपर से डालने के लिए थोड़े से प्याज चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालते हैं। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरे के कुछ दाने। उसके बाद हम डालेंगे जो हमने हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता रखा हुआ था। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने ये मूंग चने रखे हुए थे वो डाल देंगे। चने डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा मिर्ची पाउडर। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। जो हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया था ये हम डालेंगे। थोड़ा सा हमने अमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो अमचूर पाउडर की जरूरत नहीं है आपको। चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये जो हमने इसमें चने मोठ डाले थे वो इसमें अच्छे से मिल चुके हैं। ये देखिए देखने में भी कितने अच्छे लगे। इतना हेल्दी नाश्ता है, इसके थ्रू हमारे शरीर में काफी प्रोटीन विटामिन जाते हैं। हम इसमें डालेंगे, जब सारा बन जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जो हमने काट के रखा हुआ था। ये देखिए हमारे चटपटे चने एकदम तैयार हो गए हैं। चलिए हमारे चटपटे चने एकदम तैयार है खाने के लिए। ये वीडियो देखकर आप भी अपने घर में चने बनाइए, फिर हमको बताइए कि आपको हमारे चटपटे चने कैसे लगे खाने में। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।